हेलो दोस्तों, सैमसंग अपना नेक्स्ट फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन इसी साल सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च कर सकती है। साथ में इंडिया में लिनोवो ने अपना नेक्स्ट टैबलेट टैब M10 लॉन्च कर दिया है। क्या प्राइस होंगी, इसी तरह की पांच खबरें होंगी हमारे सीरीज टेक पंच के आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिलिप्स से। फिलिप्स ने एक ऐसा टीवी बनाया है जो कि 88 इंच का है, 8K रेजोल्यूशन के साथ में OLED डिस्प्ले टीवी है। ये स्मार्ट टीवी फिलिप्स ने बना लिया है, लेकिन अभी कुछ इस पर और काम बाकी है। जिस तरह से मार्केट में खबरें लीक हुई हैं कि फिलिप्स का ये टीवी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के साथ काम करने वाला है, यानी कि अगर कम रिजोल्यूशन की पिक्चर या इमेज भी आप इस टीवी डिस्प्ले पर आप देखेंगे तो उसको AI एल्गोरिथम अपने आप कन्वर्ट करेगा 8K स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन में लाने के लिए, ताकि आपको बेहतर क्वालिटी उस पिक्चर की या वीडियो की मिल सके। तो अभी लेकिन हम इसको नहीं खरीद सकते क्योंकि ये अंडर अभी ट्रायल चल रहा है फ्लिप्स के अंदर। देखते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में किस कीमत पर ये फ्लिप्स कब तक ये मार्केट में लॉन्च करता है टीवी को, तो इंतजार कीजिए उस दिन तक का। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन लॉन्च किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि 2020 के दूसरे क्वार्टर को खत्म होते होते सैमसंग अपना नेक्स्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन, फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। ये फोन है होगा गैलेक्सी जेड फ्लिप। इस फोन को लॉन्च करने के लिए लगभग 11 मई की तारीख को तय किया गया, जबकि सैन फ्रांसिस्को में सैमसंग एक नया लाइव इवेंट अपना करने वाला है। अगर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आने वाले नए नेक्स्ट फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन में Z Flip में सैमसंग दे सकता है आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 865 यानी कि 865 प्रोसेसर मिल सकता है। साथ में इसमें 3500 से 4000 mAh तक की बैटरी मिल सकती है। 8 इंच की इसमें AMOLED फुल HD+ डिस्प्ले मिल सकती है। साथ में अगर टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात करें तो ये आने वाला सैमसंग का फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन कंप्लीटली 5G सपोर्ट फोन होगा, और जिसमें कि अल्ट्रा थिन ग्लास का यूज किया गया है डिस्प्ले के लिए। तो देखते हैं ये फोन कब तक लॉन्च होता है और क्या कीमत होती है इसके आने के बाद। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। शॉर्ट क्रिएटिव वीडियो ऐप वाइन को ट्विटर ने कुछ साल पहले ही खरीदा था, अब उसको दोबारा से रिवाइव करके उसने नए नाम से ट्विटर ने लॉन्च किया है अपना शॉर्ट क्रिएटिव ऐप को। इसका नया नाम होगा बाइट। इस ऐप को बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे iOS और एंड्रॉइड पर ये इसका ऐप मिल जाएगा। अगर आपको इस नए ऐप को इंस्टॉल करना है तो आप दोनों प्लेटफॉर्म में किसी पे भी जाके, जैसा आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे चेंजेस के साथ में अब नया ऐप बाइट नाम से लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं कि लोगों को कितना पसंद आता है ये नया नाम और इसके नए फीचर्स। अगली खबर है हमारे सोलर सिस्टम को लेकर। सोलर सिस्टम में हर महीने हर साल कुछ ना कुछ नई चीजों की खोजें होती रहती हैं। अब एक नई खबर आई है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिनका नाम है रायन रिडेन हार्पर, इन्होंने एक नई खोज की है, एक ऐसा नया स्टार जिसकी खोज आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी, ना ही उसकी खोज कभी नासा के किसी साइंटिस्ट ने की, और ना वैसा कोई भी स्टार आज तक खोजा गया है। बिल्कुल नई तरीके का स्टार है। इस स्टार की जो डिजाइन है, जिसकी जिस तरह की इमेजेस और जानकारियां दी गई हैं, इस स्टार में दो ड्वार्फ है, यानी कि एक व्हाइट ड्वार्फ है, एक ब्राउन है। व्हाइट ड्वार्फ एक सन की तरह दिखाई देता है जो अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, और जबकि ब्राउन ड्वार्फ उसमें घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट ड्वार्फ ब्राउन ड्वार्फ को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपने में शामिल कर रहा है। इस स्टार का नाम रखा है वैम्पायर स्टार। बाकी इसकी डिटेल पर अभी काम चल रहा है, जब तक इसकी और ज्यादा जानकारियां आती हैं इंतजार करते हैं हम लोग कि इस स्टार को कितनी दूरी पर खोजा गया है, कितनी दूरी है हमारे प्लैनेट से उसकी, और क्या क्या उसमें नई चीजें निकल के आती हैं। अब बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की तरफ। लिनोवो ने अपना नया टैबलेट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यह टैबलेट है टैब M10 10.1 यानी कि 10.1 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले के साथ में इस टैबलेट को लिनोवो ने इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें 450 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज किया गया है। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा आपको मिल रहा है विद फ्लैश लाइट। रियर कैमरे के प्राइमरी सेंसर की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का है, वहीं आपको सेल्फी कैमरा इसमें मिल रहा है जिसका सेंसर 5 मेगापिक्सल का बताया गया है। साथ में इसमें USB पोर्ट, ब्लूटूथ 4.0 का आपको मिल रहा है। रैम और इंटरनल स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें 3GB का रैम दिया गया है, जबकि
आपको इसमें 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसको कि आप 128 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं एसडी कार्ड के द्वारा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो आपको फ्लिपकार्ट पर ये मिल जाएगा 13,990 रुपए इसकी लिनोवो ने कीमत रखी है। बाकी ऑफर्स भी अभी चल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, तो बाकी ऑफर के साथ भी मिल जाएगा। तो ये थी 5 खबरें हमारे सीजीटेक पंच के आज के एपिसोड के लिए। वीडियो कैसे लिख कमेंट बताना, बिल्कुल बुलिंग वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्वाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ, और जाते जाते कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया, और घंटी का बटन जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक बना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।